हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निट्स लाइफस्टाइल। तो टाइटल को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो जो है वो होम डेकोर हॉल वीडियो होने वाला है। एक्चुअली मैं अपने लिविंग एरिया का मेकओवर करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स ली हूँ और सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन ही लिया है अमेजोन से एंड मिंत्रा से, और सबका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये बहुत ही एक खूबसूरत सा सेंटर टेबल। ये सेंटर टेबल जो है ये प्रिटी ब्रांड का है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। ये टेबल का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो प्लाईवुड का है और नीचे वाला जो पार्ट है वो मेटल का है। तो और कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वाइट एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन, ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पैकेजिंग की अगर बात करें तो इसकी पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होकर आई थी, इसी वजह से एक सिंगल स्क्रैच नहीं है कहीं पे भी। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है एंड स्टर्डी है। लुक भी इसका काफ़ी ज़्यादा क्लासी एंड एलिगेंट है, लिविंग एरिया में रखने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और प्राइस की अगर बात करें तो मैं सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। तो अब जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये वास। ये वास जो है ये सिरेमिक का है और बहुत ही प्यारा वास है, बहुत इसका लुक बहुत अच्छा है। यहाँ पे इस तरीके से लाइनें बनी हुई है। ये आपको स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज में मिल जाएगा, मैंने मीडियम साइज लिया है। साथ साथ बहुत सारे कलर भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे ग्रीन कलर पसंद आया इसलिए मैंने ग्रीन कलर का ही लिया, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कलर। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, कहीं से भी एक भी पेंट वगैरह निकला हुआ नहीं है। तो मैं ये प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ओवरऑल बहुत ही अच्छा वास है ये। तो अब जो अगला प्रोडक्ट है वो भी एक वास ही है, लेकिन वो इस तरीके का जग स्टाइल में है। बहुत ही ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा वास है, इसका लुक जो है वो विंटेज लुक में है। कलर आपको ऊपर वाला पार्ट जो है वो वाइट कलर में है, नीचे जो है ग्रे है, और यहाँ पे इस तरीके से ये थ्रेड लगा हुआ ही आया था। साथ साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कोट लिखा हुआ है, स्वीट होम स्वीट, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये प्रोडक्ट लेते टाइम पे मैं थोड़ा सा डरी हुई थी क्योंकि इसमें ना ही कोई रेटिंग था और ना ही कोई रिव्यू था, पर दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा लेके देखते हैं, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी है, अगर कुछ ख़राब निकलता तो रिटर्न कर देते हम। लेकिन सच में जब मैंने इसे रिसीव किया तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इतना ज़्यादा खूबसूरत मतलब वास है ये। इसमें फ्लावर रखने के बाद में इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कुशन कवर। ये कुशन कवर सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है और काफ़ी कलरफुल है, तो ये सोफ़ा पे रखने के बाद में ना पूरा एंटायर लुक ही चेंज हो जाएगा। इस तरीके के कलरफुल कुशंस कवर रखने से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो ये हल्का सा वेलवेट टाइप का है, मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी, और जिप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मैंने चेक करके देख लिया था। ये 12x18 इंच का है, मैंने विदाउट फिलर वाला लिया है, ये आपको विद फिलर वाला भी मिल जाएगा। और प्राइस की अगर बात करें तो ये भी प्राइस वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ठीक है, प्राइस को जस्टिस दे रहा है। तो अब जो अगला प्रोडक्ट है वो भी कुशन कवर ही है और वो है ये। और ये कुशन कवर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है दिखने में, और ये भी फ्लोरल प्रिंट में ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट ना बड़ा सा बनाया हुआ है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये आपको सेट ऑफ 2 में है, सेट ऑफ 5 इसमें अवेलेबल नहीं है। फैब्रिक की अगर बात करें तो ये भी वेलवेट का टाइप का ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है उस वाले कुशन कवर से, तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये कुशन कवर है ना ये 16x16 इंच का है, बाकी और साइजेस में ये अवेलेबल नहीं है। और ये प्रोडक्ट ना होम सेंटर का है, लिया मैंने मिंत्रा से है, लेकिन प्रोडक्ट होम सेंटर का है। वैसे भी होम सेंटर के कुशंस कवर के जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आते ही हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस, जो कि बहुत ही एक क्यूट सा डेकोर आइटम है, और ये आपका नुक्कड़ टेल्स ब्रांड का है। उनके पास में इस तरीके के ह्यूज कलेक्शन है, बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कोट एंड वर्ड्स में अवेलेबल है। और इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो ये आपका ऊड का है और काफ़ी अच्छे से कहीं पे भी आप रख दो तो ये स्टेबल रहता है, गिरने का डर नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग भी है और कलर फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, कहीं से भी एक सिंगल स्क्रैच नहीं है। ये 6 इंच का है तो हाइट भी सही है इसका, इसे आप किसी भी कॉर्नर एरिया पर रख दो या फिर रैक पर रख दो या साइड टेबल पर रख दो तो बहुत ही एक स्टाइलिश लुक देगा।
और अब जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये टेबल रनर। ये टेबल रनर 14x72 इंच का है, आराम से 6 सीटर डाइनिंग टेबल पे आ जाएगा। और ये आपका ना पूरा प्लेन नहीं है, सॉलिड नहीं है, इसमें आपको ना बीच बीच में फ्लोरल टाइप का वेलवेटी फ्लावर बनाया हुआ है, जिसके कारण इसका लुक अच्छा लग रहा है दिखने में। और बस इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि वेबसाइट पे मेंशन था कि ये वाइट कलर का है, लेकिन जब मैंने रिसीव किया तो ये ऑफ वाइट निकला। पर ठीक है, फिलहाल मैंने रख लिया है। फैब्रिक और मटेरियल की बात करें तो इस उतना अच्छा नहीं है, काम चला हुए, पर ठीक है, जितना प्राइस उन्होंने लिया है प्राइस के हिसाब से सही है। बाकी अच्छा है, इस तरीके के रनर पे आप अच्छे से कुछ भी फ्लावर वास वगैरह अगर रखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो अब जो अगला लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये फीडल आर्टिफिशियल प्लांट। ये प्लांट 80 सेंटीमीटर का है, तो अच्छा खासा हाइट है इसका, और ये आपको पॉट के साथ में नहीं मिलेगा, विदाउट पॉट ही आता है। बाकी कहने को आर्टिफिशियल है ये, नहीं तो दूर से अगर आप देखोगे या फिर जब तक आप लिप्स टच नहीं करोगे तब तक आपको लगेगा कि ये नेचुरल ही है। काफ़ी नेचुरल लुक है इसका, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोस के अपडेट एंड पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहती हूँ। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।